हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। बार बार अटेम्प्ट नहीं, एक बार में ही मिलेगी मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफलता। अपराजिता विद्या कुंज, प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी वेस्ट दरभंगा, टारगेट बैच फॉर नीट एंड जी, कोर प्लिंथ एंड नर्चर बैच फॉर गारंटीड सक्सेस। मधुबनी पेंटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम दरभंगा में पहली बार, गीतांजलि बुटीक राजकुमारगंज दरभंगा। हाथ से बनी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट, बैग के साथ और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से करिए खरीदारी। बेस्ट इवेंट एंड कैटरर्स इन दरभंगा, बनारसी इवेंट एंड कैटरर्स, मिर्जापुर इनकम टैक्स रोड नियर LIC बिल्डिंग दरभंगा। मस्त बनारसी पान एंड चाट स्टोर, आज ही विजिट करें। प्रकाश टेक्सटाइल्स, पूर्ण पारिवारिक प्रतिष्ठान, सैदनगर लहरिया सराय, साड़ी, लहंगा चुन्नी, सूटिंग, शर्टिंग एवं सभी प्रकार के आधुनिक वस्त्रों का संगम। फर्नीचर बॉबी ऑनलाइन से भी सस्ता, घर एवं ऑफिस के फर्नीचर एवं फर्निशिंग के संपूर्ण रेंज, फर्नीचर विलेज एंड इंटीरियर्स, रेडियो स्टेशन के सामने, GM रोड दरभंगा। अपने घर, ऑफिस एवं कमर्शियल स्पेस को दीजिए मॉडर्न एवं आकर्षक लुक, इंटरनेशनल क्वालिटी के पर्दे एवं ब्लाइंड्स अफोर्डेबल प्राइस में, साथ ही एशियन बर्जर नेरोलैक के पेंट्स, ड्रीम डेकोर होली क्रॉस स्कूल के सामने, दुनार दरभंगा। उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। यह बड़ी और दुखद खबर इस वक्त केदारनाथ से है। केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी में क्रैश कर गया है। पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। केदारनाथ धाम में दोपहर तकरीबन 12 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसा गरुड़ चट्टी में हुआ। हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर है। केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्त काशी जा रहा था हेलीकॉप्टर, गरुड़ चट्टी में क्रैश हुआ यह हेलीकॉप्टर। खराब मौसम बना हादसे की वजह। हादसे में सभी 6 यात्रियों और पायलट की दुखद मौत। केदारनाथ से 6 यात्रियों को लेकर गुप्त काशी जा रहा आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। मृतक गुजरात और तमिलनाडु के हैं। घटना का कारण खराब मौसम और अचानक घाटी में कोहरा छाना बताया जा रहा है। SDRF, DDRF और पुलिस द्वारा मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है।